EMMO. Puri MS is not. A B Z Y. And मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. और भाई आती है मुझे A B C D E F G. हीना ये टूंडी का मतलब क्या है? तो टूंडी तो नहीं मतलब. Assalamualaikum everyone. जी तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. व्लॉग टुंडी मैंने बोलना. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. ये किसकी एक्टिंग है आपने बताना मुझे, ठीक है गाइस? ये मेरा बोंगा भाई है, जस्ट इग्नोर. अली तुम पागल हो. Guys, लग गई है. ये मेरी बहन है और इसको हम गटर से नहीं गंदे नाले से उठा के लेके आए हैं. और गाइस अलिया ना करो, ठीक है? ओए ये प्यारी लग रही है. एक मिनट रुको, जरा इधर दिखाओ. ओए ये देख ले, मेरे पास हथियार है. एक मिनट, दो तो सही. बजा दिखाओ तो सही ना यार. बजा अली तेरिया मैं टंगा पन देनिया ने. तेरिया मैं टंगा पन देनी है. हटो हटो मेरे सामने, अपनी लाते ना लाओ नहीं तो मैं ये तोड़ दूंगा. ओहो यार मेरी उर्दू इंग्लिश मिक्स हो गया. चल ओ यार वो सारे ये दिखाओ. अच्छा, ना बताओ तो सही यार. अच्छा पहले भी ये दिखाओ. ओए व्लॉग किस चीज का? ये तो अब ए तुम स्टैचू. स्टैचू तुम्हारे कोई गेम नहीं भाई. मैं कह रही हूं स्टैचू. स्टैचू का मतलब मैंने इधर ये लगा देनी बेटा. ली कौन है? अली को कोई भी नहीं पकड़ सकता. आज पापी पे कमरे से खिलाना पड़ा. भाभी बात करेगी. बाबा जी ये क्या किया है मेरे रूम? पहले भी खिलाना ही पड़ा हुआ था. चलो जी गाइस हम आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट. और फिर तुसी कहोगे कि हर दफा इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक कहते रहते हो, वही बता रही हूँ, ठीक है? आज हम लोग करने लगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? जो आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश थी, क्यों ने वीडियो बनाए. हमने कहा चलो जी यार आज वही पा के सेटो सुटे देंगे, अपलोड कर देंगे. तो अब हमने सबको इकट्ठा करके बाहर बिठा लिया हुआ है. और इससे मैं बदला लूंगी अपना. और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपस में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आप लोग जानना चाहते हैं. और अपने इस बोंगे भाई के मैं वो राज फाश करूंगी ना. मैं हट जा दुश्मन, तू मेरी दुश्मन. यार चल चल अच्छा नहीं सॉरी. मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी पड़ी पड़ी जैसी मेरी बहन. चल पापा की चल यार. हूं मैं तेरी बहन हूं, तुम कहता फिर देख ले बेटा. मैं तेरे जुंडरे पार्ट मत छोड़ने दे. गाइस ये मेरे साथ पंगे ले रही है अली. अच्छा चल भाई भाई चल चल आगे लग. नहीं नहीं आगे चल तुम आगे लगो. मैं नहीं जाना भाई. हाँ अब तुम्हें याद आया स्टडी करने का है? जब टाइम था तब तुम्हें याद नहीं आया था स्टडी करने का. यार ही ना मैं तुम ना पढ़ के. माँ जी ए देख लो. मम्मा इसने पहले मुझे मारा था. यार मम्मा जी इन्हें मैं कसम पढ़ के कुट देना फिर तुम इन्हें. अच्छा चलो आओ भाई चले उठो. चल चलो गाइस मैं इसे बाद में बदला ले लूंगी जो ज्यादा शौका हुआ है. अब कौन पंगे ले रहा है? फील तो हो गया ना मुझे. चलो यार भाई जा रहे हैं. ये देखो जी दुआ हमें देखने के लिए आ गया. हमारी कुश्तियां हो रही थी अंदर. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. चलो जी अल्लाह का शुक्र. हाँ लड़ाई हो रही है. हाँ जी माँ जी गाइस कैसे हैं? बाल बच्चे बहन भाई सब ठीक ठाक है? हम बड़ी मुश्किल से मम्मा को ऊपर से नीचे लेके आए. मम्मा उठ नहीं रही थी. मम्मा कहती नहीं भाई मैं उन सोन लगी. हमने कहा नहीं मम्मा जी आपके बगैर हमारे भी लोग अधूरे हैं. हमारी कैसी हैं आप? ये लोग तुम्हें मैं बताती हूँ पता. ये देखना अभी ये बड़ी है. मैंने अभी ने मिलके इसको लगा देखी. वो अपनी मम्मा से इतना प्यार करती जितने अपने मामू से. दो दो डोटो अभी कल इसने आपको कैद किया है. डोटो कल मामू ने क्या किया था? किडनैप.
किडनैप कर लिया था हमने, पैरेट बना दिया था हमने, दो दो को किडनैप कर लिया था। दूदू। चलो भाई बस बस, वो मेरी तरफ देख रही, उठाया आपने मामू, तो डोडो आज डोडो की मेरी मैचिंग हुई हुई है, हैं वाइट वाइट दोनों। लो जी भाई नहीं जा रही, देख लो भाई बाबा जी है, जिसने अपनी दमशम की है मुझे लग रहा है। अच्छा अब बड़े भाई की ट्राई, लो भाई अभी उसकी ट्राई है। कोको नहीं जा, डोडो तू साडी नाक कटा दिए, अब डोडो की ट्राई। नानो आवे जी, हां नानो, ये बड़ा मिक्स हो जाता है, चाचू फूफो नानो दादो, ये देख लो भाई कोई चक्कर नहीं। मौसी अब्बा को पता चल गया है कि अभी के साथ बच्चे बहुत ही ज्यादा। तो तुम ये बता के क्या कहना चाहते हो, कि तुम एक अच्छे बाप साबित होगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सीधी सीधी बात करो ना, सीधी सीधी बात करो। मैं अपने बच्चों को पैंपर भी चेंज करूंगा, मैं बहुत केयर करूंगा, मेरे बच्चे भाई मेरी जान होंगे, ये मेरी जान है, ये मेरी जान। पहली दफा करेगा उल्टा पैंपर चेंज करेगा। हाँ ये देखो भाई, ये अब मेरी तौबा करेगा, मेरी दूसरी जानू भी कह रही है मुझे उठाओ। अच्छा सारे अली देना जी सुनाओ फिर भाई, मेरा मूस है, ये दोनों तुम्हारी टीम है तो मेरी टीम में मूस है, ठीक है? डोडो कट्टी, डोडो आपकी मेरी कट्टी, कट्टी कट्टी नहीं, वो देखो वो बाड़ी है, आजो है वो ना, जरा मैं पकड़ा नहीं इस तरह से, मैं समझ गया तुझे पकड़ा। चलो जी गाइस अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। लोग चलो चलो यार बैठ जाओ, हम सारे हमारे तो ये तमाशे कैमरे लगते ही रहने हैं, ठीक है? हम लोग अपना ये कैमरा वगैरह सेट कर ले, हमारे पास बंदा कोई नहीं है पकड़ने के लिए, तो फिर हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स और अली को बताते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो जी गाइस हम लोगों ने अपना यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर ली है, बैठ गए हैं, अली ये सेट कर रहा था कैमरा अभी, वो भी आके बैठ रहे हैं और हम लोग अपना ये स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। आज भाई मम्मा ही तुसी मेरे नाल मिलके इन्हें पसंद है, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਲੀ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ, ਪੁੱਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੰਮਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਖਾਣੀ ਸੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਖੱਬੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਗਏ, ਓਏ ਉੱਤਲੇ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਜਲਦੀ ਬੇਟਾ ਸੁਣ, ਡੋ ਡੋ चलो जी स्टार्ट चले गाइस, अब हम लोग करने लगे हैं स्टार्ट। कुछ हो नहीं आ रहा, मैं तो निकाल रहे हैं सवाल, बेचैन मैंने भी निकाल लिया, टेंशन नहीं लेनी माँ जी, आप पे गई है ना ये देखे ना, मैं भी तेरे चोरी से बैठी रहनी मां मेरी झोली च भाई पै गई, भगवान माशाल्लाह खांदे पींदे घर देसी घ्यो खांदे ने, तुसी मेनू एक गल तो दसो पहले, हां जदो सी तुसी शादी तो पहले 15 16 साल दी उम्र च होई है ना शादी, 17 साल दी, 17 साल तक चला बड़ा, ते उस टाइम दे उत्ते ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਖਾਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਘਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਘਿਓ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਸੋ ਲੋ ਗਾਈਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸੇਰ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ 10 10 ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਵੀ ਖਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਬਾ ਹੀ ਚੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਬਤਾਤੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਵੋ ਮੱਗਾ ਥਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਪੀਤੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਹਾਂ ਹਾਂ
जो मारे गाइस कह रहे थे जी मम्मा की लव स्टोरी सुनाओ वो शुरू हो गई ना बोस जी मेरी मिस्ती यार तो करती है यार मेरी बड़ी बहन ना है बस ऐवें और मुझे अब मैं यार थोड़ी थोड़ी शो शो मार ले ये आईफोन मेरी बड़ी बहन ले ली यार आईफोन के पीछे दस भाई आपके पीछे पड़ा हुआ है आप वो ले ले वो आपका जो पड़ा हुआ ना वो ले ले भाई आईफोन नहीं वो मैंने चार्ज कर लिया यार ये देखो जी कार्ड डाल दिया वैसे मैं ये ज्यादा यूज करता हूं नॉन पीटी है ये ले जी चलो मैडम अच्छा चलो बस अब असली वाले की क्वेश्चन निकालो ऐसे कोई रोंदी नहीं मार हां हां मैं करी तुम दिखाऊंगा ठीक है मैं दिखाने में बोलूंगा डन हो गया चलो फर्स्ट तुमने करना है कि फर्स्ट मैं करूं फर्स्ट फर्स्ट तुम करो अच्छा पहल कभी खुद ना करना तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है शाका की बहुत गर्लफ्रेंड्स है शादा की गिनती में नहीं आती शादा की गिनती में नहीं आती भाई बहुत गर्लफ्रेंड्स है और कुछ नहीं अली सबने तुम्हें पकड़ लेना है तुमको मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है उसको मैं कभी प्यार से सबा कहता हूँ उसको कभी प्यार से सबा कहता हूँ नहीं मेरी भाई मैं अच्छा मैं सीरियस बताऊँ मेरी भाई एक भी गर्लफ्रेंड नहीं आपके भाई आपके भाई की सारी बहने हैं ये सब है गर्लफ्रेंड वाला और हाँ मेरा मुंह ऐसे आया गर्लफ्रेंड वाला बन सकती है शादी करवानी नहीं है मैं रंडवा रहना चाहता हूँ इसके बेड में से इतना कचरा निकलता है इतना कचरा निकलता है हमारी काम वाली कहती है बाजी मेरे को पूरा कार साफ करा लो अली का कमरा ना साफ कराया करो बड़ी स्मेल आंदी है शुरू ही हो गए चलो निकाल ले तुम भी फिर बाद में फिर बैठी ना निकले हुए मैंने पहले आगे रखे अच्छा जी पहला तो ये था क्वेश्चन नहीं ये मैं आपको बताता हूँ कमेंट में एक बात आई थी जो हमने टिकटॉक पे वीडियो थी डाली टुंडा है क्या उसपे एक कमेंट आया हुआ था कि ये वर्ड ना आपने उल्टा बोल दिया टुंडी ही वर्ड बिल्कुल सही है वेरी गुड आज के बाद ये पक्की पक्की तेरा नाम वाकई ही पक्का हो गया टुंडी अम्मा जी उसका नाम डाल चुका है तुम्हारा भी डाल चुका है तुम्हारा बोंगा खाती है मुझे ना मुझे गिनती के सिर्फ 10 मैसेज दिखा दो 10 मिनट मुझे एक है ठीक है वो माशाल्लाह से हमेशा मेरा साथ देती मैं तुम्हें 100 मिनट दिखाऊंगा टुंडी के वो तुमने मुझे 10 का कहा था टुंडी वायरल हो गई है भाई भाई खप्पा ही वायरल हो रहा है आपने भी देखे होंगे देखे ना ये हकीकत है मैं बोल नहीं सकती लेकिन मैंने पढ़े जरूर थे जब इतनी वाम कह रही है घर वाले भी बन गए तुमको अब सब मेरा साथ दे हर कोई ज्यादा सारा कमेंट करे खंबे का हाँ अगर गाइस मैं मानूंगी कि आप लोग मेरे साथ है अगर आप लोग खंबे का कमेंट करे तुमने क्वेश्चन करना है अब पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी स्टडी कितनी है मेरी स्टडी इतनी है इतनी कितनी है मैं एमफिल कर रही हूँ ओके और आपने क्या क्या किया हुआ है मतलब पूरी स्टडी बतानी है ना मैंने पहले मैट्रिक किया फिर मैंने इंटर किया फिर मैंने ग्रेजुएशन की फिर मैंने मास्टर किया और मैं एमफिल कर रही हूँ
अच्छा ही ना, आप बनना क्या चाहती हो? मैं बनना चाहती बड़ी हो के जब मैं छोटी थी ना, जब मैं छोटी थी तब मैं बनना चाहती थी वकील, ठीक है। सारे मुझे कहते थे तुम इतना बोलती हो, तुम वकालत कर लो, टर 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 करती रहोगी, ठीक है। लेकिन मेरे पापा ने कहा ओ नहीं, ठीक है, उन्हें बड़े रोले होते थे। फिर उसके बाद जब मैंने मैट्रिक कर लिया, फिर मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस, ठीक है, तो फिर वो भी कैंसिल हो गया। फिर अब मैं बनना चाहती हूँ लेक्चरर। अब मैं कपान खाना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के, ठीक है। क्या क्या कह रही हो? लेक्चरर और इसने उन कारी साहब को ही घर से भगा दिया। तो फिर पापा ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुमने अली को पढ़ाना है, और जब अली बैठा तो मैं नहीं पढ़ेगा ना, गलती करेगा उसको एक चपेट लगाना। ये पढ़ रहा था, ठीक है, गलती मैंने एक चपेट लगा दी, कहता एक दूसरी गलती मैंने दूसरी चपेट लगा दी। अच्छा जी, दो एक मिनट, करते करते मैंने 10 चपेट लगाई है। ये करते रहना, 10 चपेट हुई है, एक दो तीन चार लगा है। मैं क्या पता नहीं की गिन रहा हुआ। उसके बाद जब हमारा एक घंटे का टाइम इसका मेरे पढ़ाने का होता था, टाइम खत्म हुआ, उसने क्वाइट बार बंद करके रखा और उसने बदले मुझे 10 चपेट मारे गिन गिन के। फिर मुझे पता चला एक दो तीन का मतलब की हुआ। वो उनके साथ ही, हमने उनके भाई के साथ किया, वो डॉक्टर थे, वो हमारे हमें ट्यूशन पढ़ाते थे घर आके। तो वो नमाज पढ़ रहे, इतना गंदा बच्चा होता था, नमाज सजदे में गए, पीछे से सुई लेके इसने सुई होता था। वो मम्मा को कहते बाजी ऐ बच्चे मेरे वाड़ी दे नहीं थे, मैं भाग गए साथ, दूसरे दिन वो भाग गए थे। हमारी मम्मा ही हमसे बड़ा तंग आई दिन भाई, हम लोगों ने ना सुई लगा दी सीधा सोफे के ऊपर, ऐसे नमाज पढ़ रहे थे, हमने कहा खेला नमाज पढ़ के आएंगे ऊपर बैठेंगे। लो बाबा जी वही बात हुई, सुई हमने लगा दी, नमाज पढ़ी उन्होंने, आके तो सीधा थक ऊपर थक ही ऊपर। अच्छा चल अगला ये सवाल है, बड़ी लंबी हो जाएगी। तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? सब कहते हैं यूनिवर्सिटी जाती है, अली अली क्या करता है? मेरी प्रेपप, प्रेपप, मेरी प्रेपप है क्वालिटी। प्रेपप ऑफ द स्पेलिंग्स बनाओ पहले, अब पता चले तो प्रेपप भी कितनी है। पी आर ए ओ ए एन ई ओ बी ई एस, ओहो एल भी आना था, एल ओ बी ई एम एन ओ, पूरी एमबी से सुनाओ। ए बी जेड वाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो भाई आती है मुझे ए बी सी डी ई एफ जी अब ठीक हो गया जी मेरी। अच्छा नहीं यार, मेरी जी जो असल क्वालिफिकेशन है वो है मेरी ग्रेजुएट। मैं सोच रहा की दसा यार, मेरे को नहीं पता जो है वो तो। अच्छा यार भाई मेरी क्वालिफिकेशन क्या होता है? मेरी क्वालिफिकेशन प्रेपअप है। ओके, अब तुम करते क्या हो? क्या जॉब करते हो? ताकि तुम्हारे रिश्ते को आए ना पता तो चले। अच्छा जी, मैं जी जॉब करता हूँ, आपको जॉब से आइडिया हो जाएगा मेरी कितनी स्टडी है, और आपको मैं खुद भी बता दूंगा। मेरी मैं जॉब करता हूँ भाईजान, यूएस कैंपेन में चलाता हूँ, और उसमें मैं इन जैसे लोगों को अपनी कुछ प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ।
कितना प्यार करते हैं। प्यार तो पता तो सब तो छोटा ज्यादा ही करने हैं, पर ते यार कहां से भाई। मेरी मम्मा भी मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। मेरी प्यारी, बहुत प्यारी मम्मा, अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे। आधा काम सीधा कर जा मेरी मां, प्यारे कागज आ जाए मेरा के ब्लड भाई है। अच्छी मां, सोनी मां, मोटी तसी मां, बीपी साड़ी पई मां दा हाई होया आ। आज शूट कीता है, थानू भी लग रिया होएगा। बस कैमरा वेख के उन्हें जूता नहीं अपना ला रही मम्मा, लेकिन मां गुस्सा बड़ा ही जा रहा है। अच्छा चलो हो गया, ओके हो गया। गर्मी लग रही है। अब मैं पूरा अपना काम नहीं बता सकता यार, ऑनलाइन वर्क है। बताऊंगा किसी दिन, उस पे भी एक व्लॉग पूरा बनाऊंगा, और ताकि आपको भी आइडिया हो, आप भी ऑनलाइन काम कर सको यूएसए, और घर बैठ के डॉलर कमा सको। जिनके यूएसए में जानने वाले हैं वो ही ये काम कर डॉलर कमा कमा के आप पैंट पाई है यार। मोजी मामा, ये फैशन है आपका भी। मैं इधर से फैशन था, मैं कितनी दफा गया कि आप पैंट ना पाया कर। मामा जी फैशन है, मुझे अच्छी लग रही। चलो मां जी, भाई आज तुम्हारा पैंट नहीं सी पा नजर आ देना, नजर आ आज तुम्हारा पैंट नहीं पे। हीना, ये टुंडी का मतलब क्या है? शाहिद एंड भाभी, भाभी जी आपकी लाइफ रूटीन क्या है? मेरी लाइफ रूटीन ओहो डे रूटीन, नाइट की तो आप ही यही है ना, सो जाते हैं सारे। आप लोगों के सामने होती है सारा दिन, सुबह उठे मियां जी का नाश्ता बनाया और बच्चों का नाश्ता करवाया। मम्मा तो पापा अपना मम्मा बनाती है पापा का और अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ, फिर लंच टाइम हो जाता है, फिर दरमियान में पैंपर चेंज करने का टाइम आ जाता है। मेरी तीसरा भी दे हमें। आमीन। तो भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह दो बहुत है भाई, हमारे तो डोडो है ना, डोडो ये अपनी अम्मी की नहीं थी पहले, जान छोड़ती है। हमने कहा ना आजो, इसने भाई ऐसे ना छिपक जाना, ऐसे पकड़ लेना होती थी कि मुझे देखा क्यों है। अब डोडो अब तो उड़ उड़ के आती है, अली जान नहीं चाह रही। अब ये मेरी अब अली ने चीजें तो ला के दे दी है, बली पाली पाली गुली है, अली से दुकानों में घुमा के ले आया है ना। मेरे टोटो के साथ मैचिंग है गाइस, आज आप एक फ्रेम में दो पड़ियां देखने वाले हैं, व्हाइट व्हाइट पड़ियां जिनके पड़ नहीं है, कट चुके हैं। ठीक है, ये हमारी पिंक पड़ी है, दुआ भाई दुआ के मेरे साथ मैच कर दो, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं फोन तोड़ा ना इनमें नाच से सिटर लगा सी पहले बाकी हाँ। पड़ी पड़ी फिर पड़ी पड़ी लगी है किनारे से जाके धक्का मार के कहता कमर लगा के ना गया मैं ना आज के बाद ये पड़ी कहा तो मैं तो सुन के देता था मैं बता रहा हूं इधर पेड़ गार्ड ना। अच्छा यार जाके कहता मैं धक्का दे रहा हूं, इधर से उड़ के ना उधर से निकला। हीना अगला सवाल पढ़ ले, वो इतनी गहरी दीदी नारे बड़े ले जमा बंदा लभदा है नहीं अब हीना के पास। शाहिद भाई व्लॉग में नजर नहीं आते, शाहिद भाई बहुत बिजी मैन है, पापा और शाहिद दोनों सुबह जाते हैं रात को आते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया घर आओ भाई, फिर वो बंदा करता थका होता है, बच्चे भी हैं, सुबह कल भी बिजनेस क्या है शाहिद भाई का, काम क्या है आपका?
छोटा सा ही कारोबार है, इतना बड़ा नहीं है, एल्युमिनियम ग्लास का काम है, वर्कशॉप है वहाँ पे लोग और इधर ही पास ही फैक्ट्री है, लेकिन बहुत अच्छा मेरे काम। हाँ ये है कि 45 साल पुराना मेरे बाबा का वो काम है और आज भी उनकी विंडो खोलो तो लग पता चलता है। अब मेरी बारी अली। हाँ हाँ चलो। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 250 साल ना कह देता। 7 साल। सही बोली तो। 7 साल। तू कोई शादी करानी की नहीं करानी? नहीं करानी। मामा होने का ब्याह नहीं कराना। दो टांगों के साथ शुगर लगा हुआ था भाई देना चढ़े मेरा खादी खड़ा मेरा ब्याह करो मेरा ब्याह करो। बताओ कितनी उम्र है? मेरी माशाल्लाह से 24 इयर्स 24 साल का हूँ मैं। 24 साल का तो कितना हो गया? ओ भाई 24 साल का हो गया हूँ भाई ने क्यों ब्याह नहीं करा ना। अच्छा अच्छा ठीक है उन्हें अपनी उम्र काट दस चाल ले अपनी उम्र काट लोगों को पता है मेरी कितनी सी है। मेरी भाई 24 साल है तो मेरी तो 20 है। मेरी पताई से तो कब की है 20 ही है मेरी तो पास में 20 की 20 मेरे से बड़ी हो तुम तो फिर मेरी 18 भाई मैं अपना आईडी कार्ड आपको दिखा दूंगा 5 साल मैं अपना आईडी कार्ड दिखा दूंगा मैं भी दिखा देती हूं 1999 और दिसंबर में दिसंबर की मेरी पताई है 17 1999 दिसंबर तो मेरी 2002 है भाई माफी दे दे यार पता नहीं यार गाइस इन्होंने की होए वा क्यों इंच कर देंदे ने झूठ झूठ इन्ने झूठ चल मेरी 100 साल है बस हूं कुछ असल उम्र बता लड़कियों की साल है एज नहीं पूछते और लड़कों की तनखा नहीं पूछते ऐ मेरी अम्मी कहने दे रहे हां चल मेरा अगला सवाल जेब का पता नहीं करीदा है तो कुड़ी दी उम्र का पता नहीं करीदा हुंदा इन्दे ते लड़ाई हुंदी तो साडी जेब च ते 10 भी है साडे जेब च तो बना लिया कर दो ना की कार ते दुकान आ गया अगला लड़ाई पई हो अपनी जेब क्वेश्चन भाई अगला आपके साथ आपी जी के साथ। अच्छा जी आपी जी आपने ये बताना है कि आपका नाक जहाज जैसा क्यों है? ये जिसने भी बोला है ना उसने मुझे देखा ही नहीं एक बोला बाजी ये बढ़िया नाक बहुत ही अच्छा वैसे मैं खुद हैरान हो गया था ऐ तो है ही नहीं ना गल अच्छा जी अब नेक्स्ट आपसे ही क्वेश्चन है एक ही कमेंट में लिखा हुआ था आपकी आपकी स्टडी क्या है और आपकी आप करती क्या है? बाय बाय मैंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है। ओके आगे PhD में मैंने एडमिशन लिया था तो फिर मेरी शादी हो गई फिर PhD हो गई। हाँ और मैं जॉब करती थी इधर एक फाउंटेन हाउस में मैंने प्लेसमेंट की है CMS में जॉब करती होती थी और फिर वो सारा कुछ बीच में ही रह गया। और एक मेरी तरफ से भी क्वेश्चन है कुछ लोगों ने पूछा कि आपका एक ही बेबी है तो मेरी शादी को 1.5 साल तो हुआ है तो एक ही बेबी है। एक ही है और एक की दस से भारी है देखो तुम्हारे हैंडल नहीं दिखते। अच्छा जी अब देखो ये क्वेश्चन है कि व्लॉग ये कल वाले व्लॉग में आया हुआ मैसेज जो तुमने जो मारा कि ये बचपन से आप इसको ऐसे ही अली को मारती आ रही हो ये है ही ऐसा इसने बचपन में मेरा दांत तोड़ा था थोड़ा सा शुक्र है पूरा नहीं टूटा था वरना नकली लगवाना पड़ना था जरा से कोना टूटा था फिर मैंने इसका तोड़ा कैसे था बता जरा अली को नहीं अभी तू जानती इसने बाबा जी मरी लड़ाई हुई है इसने ना मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए अब मैं फिर कहूँ कि मैं इसको मारूं कैसे अब मैं क्या करूं फिर आपके भाई का दिमाग काम किया फिर मैंने दिमाग की ठा मारा इसके मुंह पे और मेरे दिमाग ने मैं आज इसने बड़ा होना था
फिर इसने इसके सर के ऊपर रखा सराहना और ऊपर बैठ गई। मैं कहा लड़ो, मैंने छुड़वाया था इसको, और लड़ो अगर मैं ना छुड़वाती ये मुझे क्या छुड़वाओ, ये मुझे क्या इनको छुड़वाओ। फिर अली ने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि अली ने टुडवा और उसका दांत तोड़ दिया, जैसा सर ने टुड मारते ऐसे अली ने टुड मारा। नहीं दांत टूटा था, कोना टूटा था, जड़ा लगा के सही हो। हम चार इतना लड़ते थे मुक्के चपेड़ों की तरह, क्योंकि हम लोग तकरीबन बराबर और जल पड़े जल पड़िया बने होते थे हम लोग। मम्मा ये जल पड़ी बनती थी, मैं सोन पड़ी बनती होती थी। मम्मा फिर हमें मारती थी, तुसी टैंकी वेली काट देती है। चारा ने कच्चे पारा इधर गली होनी है, हमने भाई मारी ना पापा नीचे पत्थर लगा ना, पानी फेंक के शैम्पू वगैरह पहन के बाहर से भाग गया ना, स्लिप लगाने दरवाजे तक। अच्छा मन गाली यार मैं अच्छा हम लोग ना बाबा जी पापा मान लिए ना चीजें इकट्ठी ले आते थे, जो लॉलीपॉप वगैरह और पापड़ जूस, हमने भाई सब ने लॉलीपॉप एक एक पकड़ लेना, वो साथ साथ हमने खाना, या फिर कोई बिस्किट पकड़ लेना वो साथ साथ खाना, और साथ हमने लगा लेनी टेप, चलो जी हम लोग डांस करना शुरू। और आपका भाई बस एक जगह पे खड़ा होता था और ये छलांगे मारता था, बस सारा सही करती थी, हम लोग तमाशे लगाते थे बस। अच्छा चलो यार अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपके 10 मिलियन मेरे अंग अंग मैंने क्या बोल दिया 10 मिलियन इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह होंगे आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से, इंशाल्लाह आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की चाहत से आएगा वो दिन भी और भी आज स्ट्रगल करो, लेकिन हाँ हसद ना रखो अपने दिल में, हसद ना रखो, दिल साफ करके आप चलो, अल्लाह पाक आपको सक्सेस भी देगा, कामयाबी भी देगा, सब कुछ देगा। टाइम बेशक लगे कोई मसला नहीं है, टाइम हर चीज पे लगता है, स्ट्रगल हर चीज पे होती है। बाकी अल्लाह पाक का जो मैं खुद से कर रही हूँ। अच्छा यार ये बताओ ना एक क्वेश्चन, जो कहा था कि हमें आप लोग बताएं जो गाइड करने वाली वीडियो कब करेंगे हम अपलोड, तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं अभी इंशाल्लाह अली, हमने वो भी वीडियो भी करनी है अपलोड, वो बनाएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आएंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ जी अच्छा अब ये सवाल था कि यार आपके 10K सब्सक्राइबर, अब तो माशाल्लाह से 14K हो गए प्लस हो गए, आपके 10K सब्सक्राइबर हो गए बट आपने कोई सेलिब्रेशन क्यों नहीं की? सेलिब्रेशन क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, और सुबह मैंने किसी को बताया भी नहीं, मुझे रात को आ रही थी, सब सो रहे थे, मैं किसको बताती, मम्मा मुझे सुबह उठ के इतना बोरी थी, वो शाहिद आया उसने देखा सारे ऐसे वोमिटिंग वोमिटिंग हुई हुई है, तो वो बोला उसने जाके मम्मा को बताया, फिर मम्मा वगैरह ने डांटा, तो पता नहीं क्या अचानक से तबीयत मेरी फिर रात सुबह खराब हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र बेहतर हूँ, तो इसलिए नहीं कोई सेलिब्रेशन की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि पुराने व्लॉग्स में शायद आप लोगों ने देखा ही हो, तो सब घर वाले इतना परेशान थे, मम्मा इतना परेशान थी सब, तो उसमें क्या हम सेलिब्रेशन अली का ना तू ना ले चलो टेंशन मैंने कहा सब अली सबसे ज्यादा परेशान के हो जाए तो पार्टी फिर हम नहीं 25 नहीं हम लोग 15K पे ही अपनी सेलिब्रेशन पे हां क्योंकि वो चौथा पार्ट ज्यादा सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए अपने फैंस को केक शेक आप लोग देखो अली मेरे से बहुत ज्यादा लड़ता है लेकिन लिटरली अली तब रोया था मेरे लिए बैठ के और मुझे तब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्यार भी आ रहा था मेरा भरा मेरा भरा मेरी यार टुंडी भैन नु कुछ हो जांदा ते मैं कित्थों लै के आंदा टुंडी दसो एहो जी टुंडी लभनी नहीं सी चलो अल्लाह पाक आज जिंदगी दे सेहत दे और इसको मजीद टुंडी कर दे टुंडी है इन तो मजीद तूने क्या हो गई चलो ना करे यार अल्लाह पाक ना करे चल्ली कर दे जितनी चल्ली है और चल्ली वाकई ये चल्ली है ये बातें भूल जाती है हाँ मैं बातें भूल जाती हूँ अभी मैं पासवर्ड लगा रही थी वो भूल जाती हूँ आज मैं इवन के मैं से पूछी थी अली क्या बात पूछी मैंने वो खुद की है वो भी भूल गई हूँ मैं और मेरे को बादाम दिया दो बादाम गाइस यार मेरी ना चोरी काट करके खा ली है बादाम मैंने साया ही करवाने हैं अच्छा मैं सुबह पूछा दवाई खादी है कहीं नहीं
अब क्वेश्चन और लाइफ तो बैठना ही हमने तो हाँ वो मैं बैठूंगा लेकिन अगर अभी मुझे ना स्टार्टिंग में थोड़ा डर लेकिन लगता अगर मेरी बात सुनो अगर वो कह देंगे जी अपने घर का माहौल दिखाओ के जी रियलिटी भी यही है अगर वो उनका होगा जैसे वैसे मतलब उनको भी नाराज नहीं हम कर सकते तो फिर मैं सोचूंगी लेकिन अभी स्टार्ट अली करेगा। हाँ स्टार्ट मैं ही करूंगा मैं आऊंगा लाइव और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपका भाई आपको जवाब देगा और इसके बारे में और लाइव जब बैठूंगा तब मैं आपको पूरे भाई प्रॉपर सही जवाब दूंगा सच सच बताऊंगा इसकी मैंने हर चीज आपको बता देनी है सच सच अभी कुछ बातें मैं चुप हो गया हूँ अच्छा चलो फिर व्लॉग भाई अब करो एंड ठीक है फिर हम मिलेंगे सब अल्लाह हाफिज कर दो आज सबने बाय बाय करना है और सब्सक्राइब यार मैं तो लग रहा है मैं तुमसे कोई क्वेश्चन करना था भूल रही हूँ कुछ मैंने सोचा हुआ था तो यार इतने कमेंट समझ नहीं आती कि हाँ। वो मैंने क्या करे और क्या क्या पूछे चलो ठीक है गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो हमें लाइक कर दे ठीक है कह दो भाई लाइक कर दो और बड़ी बहन भी कह दे बड़ी बहन बस दुआ आप भी फातिमा करो दुआ आप भी करो बाय बाय छोटे छोटे गुट्टे भी लगाए और ये बड़े बड़े गुट्टे भी लगाए ठीक है।